हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं लेके आ गया हूँ एक अनदर वीडियो गाइस। मोटोरोला रेस 40 एंड 40 अल्ट्रा दोनों ही गाइस लॉन्च हो चुके हैं और वर्ल्ड का स्लिमेस्ट फ्लिप स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है गाइस, मोटोरोला रेस 40 एंड 40 अल्ट्रा। और गैप लेस है। बढ़ते गाइस सबसे पहले मोटोरोला रेस 40 अल्ट्रा के बारे में। इसके अंदर आपको जो बाहर का जो डिस्प्ले मिलता है 3.6 इंच का HD प्लस पीओएलईडी डिस्प्ले मिलता है, जो कि कर्व डिस्प्ले है गाइस, काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लुक्स और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी इसके अंदर अच्छी देखने को मिलती है। एंड इसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज़ का एक फास्ट रिफ्रेश रेट अंदर और बाहर वाले डिस्प्ले दोनों के अंदर, बाहर वाले डिस्प्ले के अंदर 144 हर्ट्ज़ का एक फास्ट रिफ्रेश देखने को मिलता है। और इसके अंदर आपको जो बाहर का जो डिस्प्ले है इसके अंदर आपको 1100 निट ब्राइटनेस देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अंदर डिस्प्ले की तरफ, जो कि 6.9 इंच का फुल HD प्लस पीओएलईडी डिस्प्ले मिलता है। और साथ में इसके अंदर आपको जो रिफ्रेश रेट मिलता है गाइस 165 हर्ट्ज़ का एक फास्ट रिफ्रेश देखो, जो एक अमेजिंग है गाइस। एंड जो ब्राइटनेस है 1400 नीट ब्राइटनेस देखो, जो कि ओवरऑल बेस्ट है गाइस। एंड इसके अंदर आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है अंदर एंड बाहर डिस्प्ले के अंदर। साथ में इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 50 का प्रोटेक्शन मिलता है डिस्प्ले के अंदर। और नीचे की तरफ आपको USB पोर्ट देखो मिलता है, स्पीकर ग्रिल देखो मिलते हैं। एंड राइट एंड साइड के अंदर आपको साइड मैनुफेरिंग स्कैनर, ऊपर की तरफ आपको माइक्रोफोन देखो मिलता है और ऊपर की तरफ आपको नॉइस कैंसिलिंग देखो मिलता है। बढ़ते गए अदर फीचर्स की ओर, इसके अंदर आपको एक 3800 mAh की बड़ी बैटरी देखो मिलती है और 30 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर मिलता है, जो कि अदर फ्लिप्स फोन है उससे कहीं ज़्यादा इसके अंदर बैटरी देखो मिलती है। और मोटोरोला रेज़ है 40 सीरीज से पहले भी, मोटोरोला रेज़ 30 है उसके अंदर कंपेरिजन में बात करें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखो मिलता है बैटरी के अंदर और चार्जिंग के अंदर, काफ़ी इंप्रूवमेंट देखो मिलता है, जो कि अच्छा एक प्लस पॉइंट है। इसे सिंगल वेरियंट के साथ लॉन्च किया गया है, 8 GB रैम के साथ 250 GB स्टोरेज के साथ, जो कि रैम में LPDDR 5 है, जो स्टोरेज इफेक्ट 3.2 मिलता है। जो प्रोसेसर है इस काफ़ी अच्छा प्रोसेसर मिलता है, स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर, जो कि एक 4nm प्रोसेसर है। एक गेमिंग फ़ोन तो नहीं गई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर तो स्कोर देखो मिलता है 330,000 के आसपास तो स्कोर देखो मिलता है। और इसके अंदर आपको MIUI क्लीन एंड्रॉइड स्टोर देखो मिलता है, जो कि बेस हुआ एंड्रॉयड 13 के साथ। और मोटोरोला आपको प्रोमिस करता है 3 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 ईयर सिक्योरिटी अपडेट इसके अंदर मिल सकते हैं। बढ़ते कैमरा की ओर, इसके अंदर जो कैमरा देखो मिलता है ऊपर की तरफ ड्यूल कैमरा गाइस, 12 मेगापिक्सल का OIS कैमरा देखो मिलता है और 30 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइल्ड, जिसके साथ माइक्रोशॉट भी ले सकते हो। कैमरा के मामले में टॉप नॉच है गाइस। और अंदर की तरफ जो डिस्प्ले देखो मिलता है गाइस 32 में सेल्फी कैमरा देखो मिलता है, और दोनों ही कैमरे से 4K 60 में वीडियो शूट कर सकते हो, जो कि इस प्राइस रेंज के लिए काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं गाइस मोटोरोला रेज 40 की, काफ़ी सिमिलर फीचर्स है गाइस। उसके अंदर आपको 3.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है, बट इसके अंदर आपको 1.9 इंच का HD प्लस पीओएलईडी डिस्प्ले मिलता है और रिफ्रेश रेट सेम है, 68 का रिफ्रेश रेट देखो मिलता है इसके अंदर आपको। और इसके अंदर आपको 40 के अंदर जो बैटरी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखो मिली है, 4200 mAh की बैटरी देखो मिलती है और 30 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर। इसके अंदर डिस्प्ले छोटा है, इसे आपको बैटरी बड़ी देखने को मिलती है, क्योंकि आप छोटा डिस्प्ले यूज़ नहीं कर पाओगे, इसलिए बड़ा डिस्प्ले के अंदर आपको 4200 mAh की बड़ी बैटरी देखो मिलती है, 30 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर। और इसके अंदर भी आपको फ्रंट के अंदर ऊपर की तरफ आपको ड्यूल कैमरा देखो मिलता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जिसके अंदर आपको OIS का सपोर्ट देखो मिलता है। जो सेकंड जो कैमरा है इसके अंदर आपको 30 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइल्ड कैमरा देखो मिलता है, जिससे आप माइक्रोशॉट भी ले सकते हो। और सेल्फी कैमरा दोनों स्मार्टफोन के अंदर सेम है, 32 में सेल्फी कैमरा देखो मिलता है, और दोनों ही के अंदर आपको IP52 रेटिंग देखने मिलती है। वेट की बात हुआ, जो कि मोटोरोला रेज 40 अल्ट्रा है उसका जो वेट है 180 ग्राम का वेट देखो मिलता है, 180 ग्राम का वेट देखो मिलता है। जो रेस 40 है इसका जो वेट है 190 ग्राम का देखो मिलता है। इन एंड फील बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है गाइस, आप कहीं भी पॉकेट में भी रखते हो कहीं फील नहीं होता, काफ़ी स्लिम एंड लाइट वेट देखो मिलता है। बट इसकी प्राइस क्यों, क्या इसकी प्राइस रहने वाली, मोटोरोला रेस 40 अल्ट्रा की जो प्राइस है 89,999, बट कुछ स्पेशल ऑफर के साथ इसकी जो प्राइस रहने वाली है 82 के आसपास रह सकती है, 82,000 के आसपास। और वही 40 की बात करें गाइस, रेस 40 की जो प्राइस रहने वाली 59,000 के आसपास रहने वाली है, और स्पेशल ऑफर के साथ की जो प्राइस रहने 54,999। आप मुझे बताइए मोटोरोला रेस 40 अल्ट्रा और मोटोरोला रेस 40 आपके कौन कौन से फीचर अच्छे लगे कमेंट जरूर करिएगा। आई होप हमारे वीडियो को पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।